जो लास्ट क्लास में मैं आपको एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट टूल इसके बारे में बताया था कि पृथ्वी में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है और इसको बचाने के लिए हमने क्या क्या प्रयास किए हैं और धरती को पुनः ग्रीन किया हुआ है इसको समझाया था। उसका कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। मीनिंग मैं समझा देता हूँ। हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लेटेड, इसका मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के जैविक साधनों का कैसे अपव्यय हुआ, ठीक है? इसको आप लिख लेंगे कि मनुष्य ने इसका द्रोण किया पूरे सिस्टम से, ठीक, पेड़ काट दिए, पौधे काट दिए, जानवरों और उनकी जमीनों को हड़प लिया, दैट इज द कॉज ऑफ दिस। Why does the author ever that the growth of world population is one of the strongest factor of distortion future of human being? यानी जान मनुष्य की जो population या जनसंख्या में वृद्धि हुई वह हमारे ये world में जो biological system था उसको समाप्त करने का मुख्य कारण था, ठीक। तो ये दो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद मैं पहले एक पोयम ले रहा हूं, फिर पोयम के बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट लेसन कराऊंगा। ये बहुत छोटी सी और बहुत सुंदर पोयम है जिसका नाम है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, ठीक। बचपन में हम बहुत इनोसेंट रहते हैं और जो कहा जाता है उसको हम मान लेते हैं, लेकिन हम इतने इनोसेंट रहते हैं कि हमें स्वर्ग नरक आदि इन सब चीज़ों का कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी ये यादें अकेली रह जाती हैं और जब हम वयस्क होने लगते हैं या एडल्ट होने लगते हैं या जवान होने लगते हैं तो हमारी वो सारे की सारी होता चीज़ें या मेमोरी या यादें ख़त्म होने लगती हैं और हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं और पीछे मुड़कर हम अपने बचपन में की गई गलतियों सुनो सुनाई चीज़ों को याद करते रहते हैं। इसी को इस लेसन चाइल्डहुड में बताया गया है, ठीक है। तो इस कविता में लेखक ने बचपन से व्यस्क हो गया तो उसका बचपन कब चला गया इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी ये कहानी या ये बचपना हमारे लाइफ में स्टार्ट होता, सबकी ज़िंदगी में शुरू होता है। आप लोग भी 10-11 साल के थे, फिर आप बड़े होते गए, आपको बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, ठीक है, जिनको आप बिलीव कर लेते, अच्छी अच्छी सुंदर यादें होती हैं। वैसे ही इस कविता में लेखक ने उसी के बारे में किया है कि वो 11 साल का था और अचानक वो एडल्ट वयस्क या जवान होने में चला गया तो उसके साथ बचपन में क्या क्या कहानियाँ हुई थी या क्या क्या वो जैसे आप नॉर्मली याद रखते हैं वैसे ही उसने भी याद किया और उस चीज को इसने चाइल्डहुड या बचपन की कविता में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। इस कविता को आप अच्छी तरह से एक बार रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन यहाँ पर ये है नहीं। और उसी में बचपने की यादों को संजोकर इस कविता की रचना की गई है, ठीक है। देखिए बताया है,
और लेखक जवान हो गया और उसके बारे में इसने इस कविता में बताया है, लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, यही इस कविता का सार है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल कविता है और उसमें जो कुछ कठिन वर्ड आए हुए हैं उन कठिन वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीज, समाप्त होना, ठीक है, सीज कर दिया, कई टाइप से यूज होता है, सीज कर देना है ना, आपने बंद कर दिया, रोक दिया, समाप्त हो गया। तो इस कविता में सीज शब्द ये बता दिया है कि उसका जो बचपना है समाप्त हो जाता है। सेकेंड इज फ्री, उपदेश देना, जैसे कोई विद्वान इंटेलेक्चुअल पर्सन या पंडित लोग उपदेश देते हैं, दैट मीन्स प्रीस्ट गिव प्रीच, उपदेश देते हैं, वही हमारे पास इसका मीनिंग है। नेक्स्ट इज इन्फेंट, इन्फेंट यानी शिशु, जब बच्चा छोटा होता है उसको बेबी बोलते हैं, वही बेबी को हम शिशु बोलते हैं और शिशु का ही मतलब यहाँ पर क्या है, इन्फेंट है, इसको नॉर्मल भाषा में बेबी कहा जाता है, एंड दैट इज अनदर वर्ड फॉर इन्फेंट। तो ये तीन वर्ड ही इसमें कठिन है, आप इसमें से पूरी कविता को एक बार रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो मैंने सार बताया है वही आपका सार यहाँ पर निकलेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे।